करबला का जिक्र जब जाकिर सुनाते जाएंगे, करबला का जिक्र जब जाकिर सुनाते जाएंगे, अश्क गम बच्चों की आंखों में भी आते जाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد غير ما ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي يا هنان كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دقت الأرض دقا دقا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجحنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى صدق الله العلي العظيم لا رہا ہوں میں لاش ہے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاش ہے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہو اکبر کو تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر ام لیلا سنبھال زینب کو اس کے سینے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے امتحا دے چکی میری غربت اب تیری بے
कर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। दोनों गिने थे इसके गोदी में, दोनों अकबर ने कर दिए सदका। सब्र ऐसा के अपने बेटों पर, मैंने रोते इसे नहीं देखा है, मगर अब ये लाश अकबर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को रोक रखा है अपने आशिकों को। सबसे छुप छुप के आह भरती है, मैं समझता हूँ मादर अकबर तेरी ममता पे जो गुजरती है। रख के अपने कलेज पर पत्थर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वरज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، والجنة للمتقين والنار للعاصين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح ذل من الرحمة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس رحیم کے لیے کہ جس نے انسان کو خلق کیا اور اسے گفتگو کرنا سکھائی۔ خالق کی حمد و ثنا کے بعد تعریف اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، کی خاتون جنت بیٹی سیدت النساء العالمین سلام اللہ علیہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد کے لیے کہ جس کے صدقے میں ہمیں ان کے لال کا غم منانے کا ایک بار پھر موقع نصیب ہوا، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ ہماری یہ قلیل سی عزاداری خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا سکے اور ہمارے آنسو رومال زہرا کے قابل بن سکے۔
मोमिनीन इकराम, इस अशरे के लिए खुदाए बुजुर्गो बरतर के बाबरकत बाकरामत कलाम से जिस आयत को मुंतखब करके सरनामे गुफ्तगु करार दिया, वो कुरान की सूरह इसरा की 23वीं आयत है, जिसके पहले हिस्से में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वकदा रब्बुका अल्लाह ताबुदु इल्ला इया, तुम्हारे रब का फैसला है कि तुम मेरे अलावा किसी के सामने न झुकना। अजीजाने मोहतरम, आइए आयत के तर्जुमे के तनाजुर में गुफ्तगु को आगे बढ़ाते हैं। मुझे यकीन है कि मेरे जाविल एहतराम सामईन के जहनों में कल की गुफ्तगु ताजा होगी, जिसमें मैंने इस आयत के पहले पहलू पर गुफ्तगु का आगाज किया था और वहीं से गुफ्तगु का सिलसिला मुसलसल करते हैं। सलावात भेजो मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहा। ऐ जाने मोहतरम, तो मैं कोशिश कर रहा था कि माँ बाप की खिदमत पर गुफ्तगु करने से पहले उसके मफहूम पर कुछ रोशनी डाली जाए। वकदा रब्बुका, यानी तुम्हारे रब का फैसला है, इसका मतलब यह है कि इंसान खुदा से राब्ता तोड़ सकता है लेकिन खुदा बंदों से राब्ता कभी नहीं तोड़ता। इसलिए अगर आप देखिए कुरान करीम में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिल्आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। अच्छा ये बताइए, पहले वो खालिक है या रब? पहले चीज पैदा होती है, बाद में उसकी हिफाजत की जाती है, तो पहले वो खालिक है, बाद में रब है, तो तारीफ उसे कुरान करीम में कैसे करानी चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह खालिकिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का खालिक है या मालिक है। मगर सूरह अलहम जवाब पढ़ते हैं तो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सामईन मोहतरम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ताकि आज आप जब नमाज शब पढ़ें और इस नुक्ते पे आप गौर करें तो आपको नमाज पढ़ने में लुत्फ आने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हालांकि पहले वो खालिक है, बाद में रब है, लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसकी वजह क्या है? देखिए मिसाल के तौर पर एक माइक, जिसने इस माइक को बनाया वो इसका खालिक था। आप खरीद के इमाम बारगाह में ले आए, अब इसकी हिफाजत में आप लगे, एक ही आदमी इसको खोले, एक ही आदमी का हाथ लगे, इसे गर्दो गुबार लगे, तो आप इसके रब हैं, और जिसने जिसने इसे बनाया था वो इसका खालिक था। एक दूसरी मिसाल के कारपेंटर ने मेंबर बनाया, वो इसका खालिक था। आप खरीद के ले आए, इमाम बारगाह में रख दिया, धीमक ना लगने पाए, अच्छा सा तेल लगाया लकड़ी के मेंबर पर, साफ सुथरा रखा, चादर बिछा के रखी, तो ये इसका रब है। और रब उसे कहते हैं जो हिफाजत करे। काश मेरी मजलिस का नुक्ता पहले ही वाजह हो जाए। खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को, रब कहते हैं हिफाजत करने वाला, पालने वाला, निगहदाश्त करने वाला। और अगर आप जुमला सुने तो इंशाल्लाह लुत्फ आएगा कि रब के एक माना और है, जिस जमाने में जिस शय को जिस चीज की जरूरत हो वो उसे देने वाला। तवज्जो चाहता हूँ, यानी जिस जमाने में मुझे जिस चीज की जरूरत है मेरे हिसाब से मुझे वही चीज दे, तो उसे कहते हैं रब। सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो अजीजों, पहले होता है खालिक और बाद में होता है रब, लेकिन परवरदिगार आलम ने हर जगह अपने को रब, खालिक भी बहुत जगह कहा। उसकी वजह यह है कि खालिक उसे कहते हैं जिसका राबता कभी मखलूक से टूट जाता है, कभी मखलूक से बाकी रहता है। माइक बनाने वाले ने माइक बनाया, बाद में इसे सेल आउट कर दिया, चाहे उसे खरीदते ही तोड़ दिया जाए। तो इसका मतलब यह है कि खालिक से मखलूक का राबता टूट जाता है, लेकिन रब उसे कहते हैं जिसका राबता कभी नहीं टूटता। और अगर जुमला सुने तो अब मैं आपको सुनाऊं, रब उसे कहते हैं जिसका राबता अपनी मखलूक से कभी नहीं टूटता। तुम फिरौन और नमरूद बन सकते हो, मगर हम रब हो के तुम्हारा रिस्क कभी बंद नहीं करेंगे। दुरूद भेजे मोहम्मद। मेरे बुजुर्गों, क्या अल्लाह ने फिरौन का रिस्क बंद किया, नमरूद का रिस्क बंद किया? अच्छा, हम भी कितने बड़े बड़े गुनाहगार हैं, मगर कभी अल्लाह रिस्क बंद करता है? क्यों? इसलिए कि खालिक होता तो शायद रिस्क बंद कर देता, लेकिन रब है और रब उसे कहते हैं जो हर वक्त अपनी मखलूक की हिफाजत करे। अब जुमला सुनिए, वकदा रब्बुका, तुम्हारे रब का फैसला है। यानी क्या मतलब? तुम मुझसे गाफिल हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुमसे कभी गाफिल नहीं हो सकता। वक्त की किल्लत की वजह से अब मैं मसाइब के चंद जुमले बयान करूंगा और मजलिस तमाम, और फिर कल यहीं से सिलसिला मुसलसल करेंगे इंशाअल्लाह। बस अज़ादारा ने इमाम मजलूम, मैं मंजिल मसाइल में आते हुए अर्ज करूंगा कि वाकई करबला हमारे लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। अज़ादारों, दो मुहर्रम को ये काफिला करबला में वारिद हुआ। जहरा के लाल ने बनी असद के लोगों से जमीन खरीदी और उनके बच्चों से कहा कि अगर तुम्हारे वालदैन हमें दफना न सके तो तुम लोग खेलते खेलते आना और मुट्ठी भर हमारी लाशों पर रेत डाल देना। हाय जहरा की लाल की गुर्बत। अज़ादारों, सातवीं मुहर्रम का दिन था कि जब यजीद की फौज ने मौला हुसैन और उनके साथियों पर पानी बंद कर दिया और हर तरफ से अलतश अलतश की सदाएं गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और दसवीं मुहर्रम का वो दिन आया कि जिसने अली की बेटी और हुसैन की शेर दिल बहन को तन्हा बेपर्दा देखा। इस सुबह का आगाज मौला हुसैन के बेटे शबीए पैगंबर की अजान से हुआ और मोतबर रिवायत के मुताबिक मौला हुसैन ने जानों का पेश करने का सिलसिला अली अकबर से शुरू किया। जब मेरे मौला ने अली अकबर को मैदान में भेजना चाहा तो सर पर अमामा और बदन पर अब्बा सजाई और कमर में तलवार बांधी और कहा, बेटा जा राहे खुदा में जिहाद के लिए। और फिर हाथ उठाकर कहा, ऐ परवरदिगार, फौजे अश्किया की तरफ अब मैं उसको भेज रहा हूँ जो गुफ्तार में, रफ्तार में, सीरत और किरदार में तेरे रसूल की शबी है। जब भी नाना का ख्याल आता तो मैं इसकी तरफ देख लेता था। अज़ादारों, बस अली अकबर बाबा की नजरों से रुखसत हुए। ज़ईफ़ बाप कमर थामे का खड़ा देखता है और कहता है, वलदी, बेटा जरा आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा। अली अकबर मैदान में पहुंचे, ऐसी जंगी की कि शुजात के तराने गूंजने लगे और फिर जमीनों आसमान में मरहबा की सदाएं बुलंद हुई। अज़ादारों, एक बार अली अकबर बाबा के पास वापस आए और कहा, बाबा प्यास ने बेहाल कर रखा। मौला हुसैन ने कहा कि अपनी जबान मेरे मुंह में दे दो। अली अकबर ने जबान बाबा के मुंह में दी और फौरन निकाली और कहा, बाबा आपकी जबान में तुम मुझसे ज्यादा काटे हैं।
अजादारों, जब फौज अशकिया की अली अकबर की तलवार के सामने कुछ न चल सकी तो एक शकी ने पीछे से बरछी का वार किया। मैं कहूंगा वो बरछी अली अकबर के नहीं मौला हुसैन के सीने पर गई होगी। अली अकबर घोड़े से जमीन पर गिरे, आखिरी सलाम की सदा दी, अलैकुम मिन्नी सलाम, बाबा सबको मेरी तरफ से आखिरी सलाम। आका हुसैन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और गिर गए, उठे और फिर गिर गए। यूं कहीं बार हुआ कि उठे और गिर गए। मक्तल में लिखा है कि आखिरकार इमाम जानू ब जानू अली अकबर के पास पहुंचे। अली अकबर का सर अपने जानू पर रखा। अली अकबर ने कहा, वो मेरे जद रसूल अल्लाह आए हैं, वो मेरे दादा अली आए हैं, वो मेरी दादी फातिमा आई हैं और वो मुझे लेने के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हुसैन से कहो कि तुम भी हमारे पास आ जाओगे। अजादारों, अली अकबर के हाथ सीने पर है। अजादारों, अभी मेरे बस की बात तो नहीं कि मैं बताऊं कि अली अकबर का बरछी से रिश्ता कैसे टूटा, मगर ये तो बता सकता हूं कि अली अकबर और बरछी का रिश्ता टूटते ही हुसैन की कमाई लुट गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़म बिकज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे, अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमि ज़ालिमीन व सियालमुल लज़ीना अय्यमन क़ल्बियन क़ल्ब। कैदी हूँ मैं बाब जान, 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 अब शाहजादी कहाँ, अब शाहजादी कहाँ, कैदी हूँ मैं बाब जान, कैदी हूँ मैं बाब जान। अरे कहती मुझ पर गिरा आसमां, कैदी हूँ मैं बाब जान, कैदी हूँ मैं बाब जान। जैसे रुखसार पर हैं अभी तक सितम के निशान, कैदी हूँ मैं बाब जान, कैदी हूँ मैं बाब जान। मांगा कनीजी में बाबा चली वो कांटों के मैं दरमियां, कैदी हूँ मैं बाब जान, कैदी
मिलने को हमसे चले फिर तुम कहां हम कहां के दी हूं मैं बाबा जा है के दी हूं मैं बाबा जा के अब शाहजादी कहां अब शाहजादी कहां के दी हूं मैं बाबा जान بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين करबला का जिक्र जब जाकिर सुनाते जाएंगे करबला का जिक्र जब जाकिर सुनाते जाएंगे अश्क गम बच्चों की आंखों में भी आते जाएंगे।